हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन फायर एश एपिसोड नंबर 56। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने डिफीट कर दिया रस्टबोरो सिटी के जिम लीडर रॉक्सन को। हमने डिफीट जीत लिया था अपना ओनलीकल लीग का फर्स्ट बैच, जो कि है क्या नाम उस बैच का, हाँ, स्टोन बैच, जो कैलकुलेट में दिख ही होगा। लास्ट अब पोकेमॉन में यहाँ पे एक डेविन कॉपरेशन होगी, जिसमें कि टीम एक्वा का, फिर टीम एक्वा ने टीम मैग्मा का वो बंदा घुस गया था, हाँ वो आ गया था चोरी करने के लिए, जिसको हमने रोक दिया था एंड उसको हमने भगा भी दिया था, डिफीट कर दिया था। एंड इस सिटी को मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, सिटी में थोड़ा कुछ आगे जाने का रास्ता तो बनी है। वैसे यहाँ पे मिस्टर ब्राइनी हार्बर की वो है, ये है पोर्ट है, तो इसके पास जाने से हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले बात करते चलें इनसे। माय ब्राइनी, हेलो देयर, यू सीम अ बिट लॉस्ट डोंट यू, आई लुकिंग फॉर वे टू गेट टू डिफर टाउन, वेल आई कैन टेक यू देयर इफ़ यू वॉन्ट आस्क एनी टाइम। ठीक है, सवाल तो नहीं पड़ेगी विंग गर्ल, तो देखते वापस। माय ब्राइनी, डू यू वॉन्ट टू सेल डिफर टाउन, जाना हमको डेफोर्ट सिटी, जहाँ पे हमारे साथ से नेक्स्ट जिम बैटल है। तो मैं इस सिटी में पहले उन्होंने पहले गेम को मैं सेव कर लेता हूँ। वैसा नीचे कहीं से लग रहा है जिम है एंड पहले घर कौन सा है, मिस्टर बैन ने समझ सा इसी का घर है, बाहर तो ही खड़े अंदर तो होंगे नहीं, लगे रहते अंदर तो होंगे नहीं, बाहर ही खड़ा ही है। तो थोड़ा नीचे देखते हैं सिटी में क्या है। वैसे नहीं, अभी गेम लैग हो रही है, वो कुछ हो सकता है, तो कोई बात नहीं। तो ये सेलर ऐसे बैटल नहीं करनी है, बैटल कर सकता है, एक बार घर को चेक कर लेते हैं। और साइड में जिम है, जिम को भी बैटल के लिए चैलेंज करेंगे। आई रन इनटू दिस गाय इन द केव एंड ही गेव मी अ रॉक, आई डोंट रियली वांट इट थो सो हियर ओपन मूनस्टोन। वाह, उसने हमको मूनस्टोन दिया, ऐसे कुछ होएगा तो मैं दुकान पर बेच के अच्छा खासा कमाई उठेगी, मार्केट में बेच के। वही पोकेमॉन मार्ट में सर, यही है जिम, डिफॉल्ट पोकेमॉन जिम लीडर ब्राइनी, क्या नाम है, ब्रॉली, वाओ ठीक है। वैसे ये जिम मेरे लिए नया नया होगा, तो पहले हम पोकेमॉन सेंटर तो होएगा ही, तो पहले पोकेमॉन को हील कर लेते हैं। लड़की कौन है, हे विन हैव यू ग्रांटेड के इट्स क्वाइट द एडवेंचर, तो पहले पोकेमॉन को हील करता है फिर देखते हैं। फिर हम सीधा ही उसको जिम के लिए बैटल गेम के लिए चैलेंज कर सकते हैं। पहले एक बार इससे बात करें, साइन आई फील वी हैव बीन ट्राइंग फॉर वीक टू गेट द जिम बैडिस, आई माइट गिव अप। तो पहले मेरे से बात करें, वेलकम टू पोकेमॉन सेंटर, वही सेम डायलॉग है एक्चुअली का, हर रीजन का नहीं, हर सिटी का वैसे। तो चलो चलते हैं जिम में, जिम के लिए बैटल करते हैं। इस सिटी में थोड़ा है तो नहीं एक्सप्लोर करने लायक जो हो कुछ, एंड तो हम टाइम वेस्ट ना करते सीधा चले जाते हैं जिम में, क्योंकि वैसे जहाँ तक पता है रॉक टाइप जिम नहीं है, शायद बॉक्सिंग टाइप जिम होएगा, बॉक्सिंग टाइप पोकेमॉन्स का जिम होएगा। तो यहाँ पे जिम का रास्ता बड़ा ठीक बना है, तो यहाँ पहले ही बैटल आ रही है, देखते चलो। हैया डायलॉग मारा है, हैया वो तीन दिन पोकेमॉन मेडिटाइट, देखते हैं इसमें मेगाडन कितना इफेक्टिव होएगा। हल्का सा रहेगा, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन ट्रिक को कंफ्यूज नहीं हो, बस एंड्योर से पता नहीं क्या होता है, बट अटैक कर लेते हैं। चलो दोबारा कंफ्यूज ना कर दे, चलो मैगट्रेन एंड गया, ये गया एंड हमारे उनसे एच पी ली थी, उसने सारे सारे वापस तो आई गई है। ट्रिक को लेवल 18 को आ चुका है, तो नेक्स्ट अपन कौन सा है, माचोप, तो चेंज नहीं करेंगे, ट्रिक को काफ़ी है इनके लिए, मैगट्रेन अटैक सही रहेगा, तो सेकेंड अटैक में चला जाएगा। ये फोर साइट अटैक अभी पता नहीं क्या होता है, तो ले एक मेगा ट्रेन और, वैसे गीगा ट्रेन अटैक सीजन ट्रिक को बहुत अच्छा रहेगा। एंड इसका थर्ड पोकेमॉन कौन सा है देखते हैं, टेलो लेवल 13 को चुका है, मेडिटाइट है तो चेंज कर लेते हैं। चलो वैसे ही टेलो को भेजते ना, टेलो में शायद एयरलेस अटैक हो, बट मैंने सिखाया तो है नहीं इसको, तो विंग अटैक तो है। चलो कि फाइंग टाइप पोकेमॉन फाइटिंग टाइप पोकेमॉन के खिलाफ स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, वो कोई बात नहीं, एक एक अटैक करो, चलो यहाँ से, चलो हार गया ये। मैं पोकेमॉन सेंटर में हिल नहीं जाऊँगा, पोकेमॉन गुमरे पकाचू है तो ट्रिक को अभी इवॉल्व नहीं होना। चलो आगे देखते हैं, आगे मैं दो बैटल सो रहे तो पहले इससे करते हैं। ब्रोली विल नेवर लॉस्ट टू यू, ओके
वैसे भी एक ही पोकेमोन है, मेरिटाइट, तो मेगा ड्रेन, फोकस किया उसने, फोकस एनर्जी ना कर ली बस। चलो अच्छी बात है मूव ही नहीं हो पाया। मेगा ड्रेन फिनिश फिनिश हल्का सा रहेगा, कोई बात नहीं। चलो किक अटैक, किक अटैक हो जा, हो गया। मेगा ड्रेन देखते चलो, फाइनली हो तो गया। कितने को ध्यान से दिया नहीं वैसे इसके ऊपर। टेरो लेवल 14 को आ चुका है भाई, एक ही पोकेमोन तो सही है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट बैटल आ रही है, शायद आखिरी बैटल हो सकती है। रेडी टू रंबल, और इसके पास दो पोकेमोन माचोप, वो फर्स्ट रंबल वही है इसका, तो मेगा ट्रेन ही ठीक है। मेगा ट्रेन हल्का सा कोई बात नहीं, वैसे लॉस स्वीप अटैक, वो सही अटैक है इसका। तो पहले मुझे एनर्जी मिल देती, मेरी चूसी है, लेकिन इससे सारी एनर्जी तो वापस ले लूँगा ना, कोई बात नहीं, सेट नेक्स्ट पर इसे ले लूँगा। एंड मेरिटाइट आ रहा है, तीन करेंगे तो मेगा ट्रेन ही काफ़ी है। ये डिटेक्ट अटैक पता नहीं बार बार यूज़ क्यों कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर लेते अपने बार को। आपके पास एक्स्ट्रा पावर गई इसकी ना, कन्फ्यूजन ट्रिक को कन्फ्यूज ना, बट चलो ये हार जाए, हार गया। अगर ये दो अटैक में चला गया ना, पहले तो एक अटैक करा दूसरा अटैक करा तो जा ही नहीं रहा था, अच्छी बात है। तो शायद आपका जिम लीडर ब्रोल ही होगा। बस तो वेट करूँ पोकेमोन को हील करके आता हूँ। थैंक्स फॉर वेटिंग पोकेमोन को हील कर लो। चलो देखते हैं जिम लीडर ब्रोली से बात करके। ब्रोली आई होप यू आर रेडी, माई पोकेमोन हैव ट्रेंड अगेंस्ट द वेव फॉर ईयर्स, दिस वॉन्ट बी एन एसी विक्ट्री। ठीक है देखते हैं, फर्स्ट ट्रिक को सेकंड पिकाचू को मैं इसलिए भेजता हूँ ताकि मेरे लिए वो ना रहे, क्या बोलते हैं उसको, वो वह उसका फर्स्ट ओपन माचोप है, तो मेगा ट्रेन कोई बात नहीं। कराटे चॉप, वाह क्या टैग है इसका कराटे चॉप। मेगा ट्रेन एक बार ही हो, फिर हल्की सी गई पर हेल्थ दे दी इसने हमको। क्रॉस चॉप इफेक्टिव ना हो, बच गया किक अटैक। चलो इन हार गया ये, ट्रिक को लेवल 19 हो चुका है। माको हीटा पोकेमोन आ रहा है, तो इसके लिए मेगा ड्रेन देखते हैं फर्स्ट अटैक में कितना सही है। हल्का सही रहा वैसे, हेल्थ सही दे दी इसने। आर्म थ्रस्ट, वो क्या अटैक है इसका, बट ट्रिको के लिए काफ़ी नहीं था। चलिए एक और योग मेगा ड्रेन, चलो ऐसे वो दो ही पोकेमोन थे ना, हाँ आपको हिट हो रही है, तो आखिरकार ये हार ही गया, अच्छी बात है। ट्रिको ही बोल पता नहीं, अ फाइट इन हेयर इज नॉट एन ओ फोर द फुलफिल थ्रिल, मीट मी एट रूट 106। ये क्या हो गया, मैच नहीं दिया इसने, बोला मुझे आके रूट 106 पे मिलो। वो अच्छा एनिमे के कोडिंग एचेस पे हारता है, सेकंड बैटल में इससे जीतता है ना, तो शायद भी हमारे साथ भी वैसा ही होएगा। अब सेकंड बैटल होएगी रूट 106 पे, तो उस पर जाएंगे, फर्स्ट पहले पोकेमोन को हील कर लेते हैं, शायद ऊपर हो। इन बैकग्राउंड में वॉइस आए तो दोस्तों प्लीज़ इग्नोर इट। चलो पोकेमोन को हील कर लेते हैं, तो ये रिनर्जो में दोबारा आ गया आपके पास, सेकेंड टाइम आया हूँ, सेकेंड टाइम पता नहीं, थर्ड टाइम आया हूँ, हाँ थर्ड टाइम आया हूँ। मेरे पोकेमोन को जल्दी सेल कर दो, मैं चलता हूँ यहाँ से, शायद ऊपर से कोई रास्ता हो रूट 106 में जाने का, तो नाउ चेकआउट। वैसे घर को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया ना, इस साइड में घर है तो एक बार देख लेते इसमें जाके। बोले वो घिसटी छोटी ध्यान से दिया, यहाँ पे एक लड़का देखते हैं। आई थिंक इट वॉज ऑसम डेट ब्रोली लाइक्स हियर, आई गॉट टू ट्रेन हार्ड ऑल डे लॉन्ग। वाह ब्रोली बहुत ताकतवर है, अपने पोकेमोन हर दिन ट्रेन करता रहता है, यानी ऑल डे ट्रेनिंग में लगाता रहता है। तो पहले चलो चलते हैं केव में, अरे अंकल बैटल ना आ जाए। चलो अच्छी बात है केव में आ गए, मैं यहाँ पर रिप्पल का यूज़ कर लेता हूँ, रुको पहले दोस्तों
उन्हें वाइल्ड पोकेमोन एनकाउंटर खामखा करते रहेंगे। तो शायद यहीं पे, हाँ ये 57 रिपल पड़े हमारे पास, तो क्यों नहीं यूज़ किए रहे। तो चलो चलते देखते हैं, ऊपर पोकेबॉल भी पड़ी है, उसको बाद में उठाएंगे। तो नीचे देखते, फिर नीचे है कुछ नहीं है, नीचे कोई है तो सर ये वो है स्टीवन स्टोन। स्टीवन नाइस टू मीट यू, हैव यू केम इन सर्च ऑफ स्टोन एज वेल? नो वेल नो प्रॉब्लम, सो यू आर सर्चिंग फॉर अ वे टू रूट 106 अगस्टिन, लुकिंग अराउंड द एरिया विद द स्ट्रेंज रॉक। आई फाउंड दिस एज वेल, आई डोंट नीड इट, सो प्लीज टेक इट ऑफ माई हैंड्स। वॉट इन 100 स्टील में क्या अटैक दिया। एंड ऊपर जाके, ऊपर जाने रास्ता। एंड यहाँ पे क्या है ये, वो ये क्या हुआ, वो मेरे पास तुक्का लगे पहली बार। ऐसे साइड में वोटर मिलती पुलिस को उठा दी, वैसे मुझे पता नहीं क्या हुआ, वैसे मेरा हाथ यहाँ मेरा तुक्का लगा है, वैसे एक बारी पहली बार दिखी है ये तुक्का मेरा, कभी बार ठीक नहीं बैठता, थी बैठ गया वो एक एवर स्टोन है यहाँ पे, तो ले लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। सर मेरी सेकेंड जिम बैटर है, तुमको बैच मिल जाए अपना सेकेंड, अच्छे रहेगा जो मिल जाए। तो चलो बाहर देखते जाके, ब्रोके दीप वॉन्ट वट आर यू डूइंग इन ह्यूमन जिम बैटल शुड हैव गेस्ट, आई एम ट्राइंग टू एक्सपेंड माई सेल्फ एज अ ब्रीड, अ गुड बैटल विल हेल्प विद डैट। और ब्रोक से बैटल हो रहे हैं, मेरा फर्स्ट पोकेमोन वो था शूट एयर फोर्ट्रेस, निकाल दिया इसने, तो चेंज तो करना ही पड़ेगा। आप एक अच्छू आ जाओ, मैंने पे का चुका एंटेन टेक्टर से कहा रखा है, फर्स्ट एयर एंटेन अटैक सही टाइम पर लगता नहीं है। चलो पैरालाइज तो हुआ, प्लीज भाई सेकेंड टाइम प्लीज लग जा, लग जा प्लीज, सबकी बार तो लग जा एंटेल, ये लग गया, बेकार अटैक है, स्पाइक्स कुछ नहीं होगा, क्विक अटैक ही देखते हैं करके। यहाँ शिट एक्सप्लोजन, चलो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, इसको कहते हैं पिकाची, सर्वाइव कर जा, सर्वाइव कर जा, कोई बात नहीं। ट्रिको लेवल 20 का हो चुका है, ट्रिको लेवल 21 का गीगाटन अटैक सीख रहा, जो सुपर पावरफुल टैग है। तो मैगाटन को हटा देते हैं, गीगाटन ऐसे बात देखा कि सेम अटैक है, लेवल 22 का भी हो चुका है, टेलो लेवल 15 का हो चुका है, लेवल 16 का, लेवल 17 का डबल टीम अटैक सीख रहा है, जो बेकार अटैक है, स्पीड को बढ़ाता है। टिको लेवल 18 को चुका है, वो क्या एक्सपीरियंस मिला वैसे ब्रोक्स फाइट करके। टिको का कर लेते, कोई बात नहीं, देखते इसका सेकंड पोकेमोन वैसे कौन सा है। ओ यार लोटेड हो, सही है, गीगा ड्रेन अटैक करते, चलो ये फर्स्ट टाइम में चल जाता, चलो कोई बात नहीं, हेल्थ तो दे दी, कोई बात नहीं, गियर ट्रेन दोबारा से खा। चलो मेरी वक्खो ही सारी हेल्थ आ गई, जिसके पास चार चार पक बनते, तीन पक बनते हैं, वैसे नया पक पकड़ा है मडकीप के टाइम से, वो तो गियर ट्रेन सही है। चलो फर्स्ट ट्रैक में गया, अच्छा है फर्स्ट ट्रैक में चला गया। चलो ब्रोक तो गया यहाँ से, ट्रिक को भी बोल नहीं होना, ये टाइम नहीं है। ब्रुक थैंक्स, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट बैटल, आई विल सी यू अराउंड। तो चलो चलते हैं आगे। ये वैसे नीचे हमारा पोकेमोन है कोरफिश, और हमको दोस्तों कोरफिश मिला, जो कि आपको लेआउट में दिख ही रहा होगा। तो निकनेम देने को बोला, निकनेम देने को बोला, अरे भाई मैं अपने पोकेमोन को चेक कर लेता हूँ, वैसे टेलो तो लेवल 18 को हो चुका है, तो इससे आइटम लेके गीवनी से लेनी आइटम टेक कर लेते हैं इसे। एंड हम कोरफिश को एक्सपीशर देते हैं, यार मुझे पता नहीं सेकंड एक्सपीशर कब मिलेगा, शायद वो लास्ट में होगा, तो लास्ट में यहाँ से रहेंगे यार, तो कोरफिश को दे देते हैं। एंड दोस्तों रुको, बैग में वो होगा मैक्स रिवाइव, तो मैक्स रिवाइव को हम यूज़ कर लेते हैं ना, पिकाचू को हेल्थ मिल जाए, होना तो चाहिए मैक्स रिवाइव, बट देखना पड़ेगा, चेकआउट करते हैं एक बारी। रिवाइव तो चल, रिवाइव तो है, मैं वापस तो नहीं जाने वाला पोकेमोन सेंटर में। हाइपर पोशन है एक,
26 पड़े हैं, तो पिकाचू को दे देते। रुको, पिकाचू हो जाए हेल्पफुल एंड चलो अब चलते हैं आगे। एंड ये कौन है अंकल? हाउ डिड यू गेट बैक हियर? है माई गेस्ट पाथ इज टू ईजी टू फाइंड नाउ डेज। आई हैव टू चेंज इट। वेल सिंस यू डिड मैनेज टू फाइंड दिस प्लेस, हाउ वुड यू लाइक टू टेक वन ऑफ द ओल्डर मडकी डेट? आई कैन नॉट कीप एनी मडकी। दे रहा हमको, चलो ले लेते हैं। बट ऐसा लिया नहीं था एनीमे में, बट हम इससे ले लिया और इनको वैसे पीसी में स्टोर कर देंगे, कोई बात नहीं। तो शायद ये रहा गाइस जूनियर ब्रोनी, तो इसे बैटल करते पहले गेम को सेव कर ले, तो तक कोई ग्लिच हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं इससे। ब्रोली यू आर स्ट्रॉन्ग ट्रेनर, सो डिजर्व दिस काइंड ऑफ इंटेंस फाइट, लेट्स डू इट। तो ट्रिको को भेजेंगे पिकाचू, और दीपक को यूज कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। देखते इसका पोकेमॉन करने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं वैसे पहले से। दो ही है पता है, माचो को एगा फाइट करते हैं गीगा ड्रेन। चलो फर्स्ट टैक में चला जाए, मजा आ जाए। चलो फर्स्ट टैक में चला गया, अच्छी बात है। वो एक्सपीरियंस को ठीक ही मिला। हरिया मारे एक गीगा ड्रेन, वो ठीक ही था, कोई बात नहीं, सही नहीं रहा। चलिए एक बार ये एक और गीगा ड्रेन, चलो हेल्थ तो वैसे हल्की सी फुल तो ही। सेस्मिक टॉस देखते हैं कितना इफेक्टिव है। वाओ, मैंने इसकी हेल्थ कम करी, बढ़ा रहा है, कोई बात नहीं। गीगा ड्रेन तो एनर्जी दोबारा चूस लेंगे। और आखिरकार ये हार ही गया, फाइनली डिफीट तो हो ही गया ये। सो तो बेस्ट दे दे, ट्रिको लेवल 23 का हो चुका है, अच्छा ही है, एक्सीलेंट। ओ थैंक यू ब्रो। अच्छा ट्रिको भी नॉट इवॉल्विंग टाइम, हमको मिलो नक्कल बैठ के आपको लेट में दिख ही रहा होगा। शायद हमारा दूसरा टीम दे रहा है, टीम 52 वोकल गार्ड्स, शायद से हमारा दूसरा वो है जी ओनली बैज। तो चलो दोस्तों बैक चलते हैं, देखते हैं जाके साइकिल क्या निकालूंगा, केम में तो जाना है। वो रिपल खत्म हो रहा, रिपल यूज़ कर लेते, केम में जाना ना कि रिपल जो दोबारा से जाके फोर्थ फिफ्थ में फिफ्थ टाइम जाके हेलो कर देते हैं। तो चलो चलते हैं नजो के पास। ये गेम लैग तो नहीं क्यों कर रही है दोस्तों? के बीच में गेम सेव करो, इस पर ना उसको मिस अंडरस्टैंड कर दे करो, बिकॉज वो गेम ना रियलिटी में सेव नहीं होती, बस एक ग्लिच होती है जो कि गेम की है। बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया, वैसे मैंने जब एक बार यूज़ किया था बोला गेम से बोली, पर टू ही थी वो जो मैं साइड में प्यूटर सिटी में था। तो सिर्फ पोकेमॉन सेंटर ये रहा, पोकेमॉन को ही ले लेते हैं। पत्थरों के पीछे मैं ऑफलाइन में चेक कर लूँगा सैसिंग के पीछे कुछ हो, ये ऑटोमेटिक देखा मैंने बोला ना गेम सेव हो रही है, ये ऑटोमेटिकली सेव हो रही है, बट ये सेव नहीं है। तो हेलो नर्चर में दोबारा सारा पोकेमॉन को हील करने, आप कितनी पैरामीड पोकेमॉन को कितना आप हील करती हो, मैं आपको हर चीज़ में डिस्टर्ब करूँगा ना सिमस जो। तो बाहर चलते चलो। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड पसंद आया। अगर आपको आज वीडियो में थोड़े से पार्ट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर लूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैशटैग स्टे होम, हैशटैग स्टे सेफ। तो बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय ग्रैंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।